किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। ओहो, ये कब की घटना है? एक महीने पहले गई थी मैं FIR लिखवाने, पर वो मैडम ने FIR नहीं लिखी मेरी और मेरे साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद मैं रोते रोते SP ऑफिस गई और उसके बाद में ना उन्होंने SP के आदेश से मेरी FIR हो गई। फिर भी वो मुझे रात में बोलने लगी 8 बजे कि तुम FIR अभी भी करवाना चाहती हो, इतनी मार खा के तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है, तो फालतू फालतू बोलने लगी मेरी चीजा। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जा। टीचर है आप? कहाँ पर? गोल्डन वैली स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, इसमें बच्चे को पढ़ाने जा। गोल्डन वैली स्कूल है? ग्वालियर में। ग्वालियर में है ना? तो किस थाने में आप रिपोर्ट करने गई थी? पहले मैं माधवन थाने में गई तो उन्होंने मुझे गिरवाई थाने भेजा, फिर गिरवाई थाने वालों ने पड़ाव थाने भेजा, फिर पड़ाव थाने वालों ने भोड़ापुर भेजा, फिर भोड़ापुर वालों ने फिर पड़ाव थाने भेजा। ऐसे एक महीने तक मुझे घुमाते रहे। आपकी रिपोर्ट किस बाबत है? 376 की रिपोर्ट करवाई। ओहो, ये कब की घटना है? एक महीने पहले गई थी मैं FIR लिखवाने, पर वो मैडम ने FIR नहीं लिखी मेरी और मेरे साथ मारपीट करने लगी। उसके बाद मैं रोते रोते SP ऑफिस गई और उसके बाद में ना उन्होंने SP के आदेश से मेरी FIR हो गई। फिर भी वो मुझे रात में बोलने लगी 8 बजे कि तुम FIR अभी भी करवाना चाहती हो, इतनी मार खा के तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई है, तो फालतू फालतू बोलने लगी मेरे जीजा जी मेरे साथ थे तो FIR हो गई। फिर सुबह फिर वो डराने लगी, जब 164 के बयान देने गई तो आरोपी के घर वाले और मैं और मेरी जीजा थे, पर उन्होंने फिर से मुझसे साइन करवा लिए कि साइन करो नहीं करोगी तो तुम्हारा एक छोटा भाई है 4 बहनों पे उसे मार डालेंगे, तो मैंने साइन कर दिया। फिर जब कोर्ट ने वो खारिज कर दिया तो वो फिर से परेशान करने लगे हमें, कभी कभी घर पर आ जाते हैं रात में दिन में, मेरे साथ बदतमीजी करती है, मेरा स्कूल पढ़ाना भी बंद करवा दिया उन्होंने। अब मैं घर पर बैठी हूँ, कहीं नहीं जा सकती। जैसे सैंपल यानी सैंपल के लिए गई तो लड़के पीछा कर रहे हैं, स्कूल लाती हूँ तो पीछा कर रहे हैं, कभी भी घर पर आ जाती है मारने के लिए। जब गिरवाई थाने गई तो वो कहने लगे जब चोट आएगी हमला होगा खून निकलेगा तब मैं तैयार होगी। जब चाटे मारते हैं और संजीदा मैम इतनी बेकार है, मुझे पैदल चलाने लगी पौड़ा को ताने से, पड़ाव तो पैदल ही ले गई, दिन में घुमाने लगी जैसे कि धूप निकल रही और मुझे इस तरीके से ले जाने लगी और कहने लगी अगर तेरी अकल ठिकाने आदमी आई सी एम हेल्पलाइन तो मैंने शिकायत कर दी थी, उसे वापस नहीं लिया तो भिंडी तक ले जाऊंगी तुझे, ऐसे बोलने लगी। फिर मैं रोने लगी, मैंने कहा मुझे घर जाने दो, नहीं जाने दे रही। फिर मैंने अपने एडवोकेट से बात की कि मैडम इनको समझा दो ये मान नहीं रही, फिर उन्होंने बात की थी आई सर से, फिर मुझे 8 बजे घर छोड़ा गया। मेरी मम्मी भी रोने लगी, कहने लगी तो छोड़ दे तू क्यों पड़ी है उनके पीछे, वो उस मैडम ने तेरा कितना कर दिया। फिर मैंने कहा तुमने उनसे पैसे लिए है ना इसलिए तुम मुझे मारती हो, तो कहने लगी तू दे दे पैसे, फरियादी पार्टी भी पैसे दे दी तू दे तो मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी, ऐसे बोलने लगी। Including FIR and all the safety be completed by 4 PM today. And the misbehavior aspect also has to be very seriously looked into. I have heard tell you, yes, sir, you heard everything about her predicament. Look at her helplessness. Ensure that every possible action is taken on her complaint and such officials who have misbehaved with her are taken for task. I am posting it on Monday. This one, madam, you.